एशिया कप में वापसी के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं श्रेयस अय्यर राहुल। साथ में शेयर की ऋषभ पंत ने अपनी तस्वीरें। राहुल और श्रेयस दोनों फिलहाल बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में NCA में चोट से उभर रहे ऋषभ पंत ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल और श्रेयस एक साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। एशिया कप शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। टूर्नामेंट के लिए जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ BCCI भारतीय चयनकर्ता अब तक कुछ खिलाड़ियों की चोट और फिटनेस को लेकर संशय की स्थिति में हैं। इस वजह से अभी तक टीम की घोषणा नहीं की गई है। श्रेयस अय्यर और KL राहुल को फिटनेस हासिल करने को डेडलाइन दी गई है। इसके बाद से दोनों ने वापसी को लेकर अपनी कोशिश तेज कर दी है। राहुल और श्रेयस दोनों फिलहाल बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल और श्रेयस एशिया कप के लिए भारत टीम में वापसी कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंत तक एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो सकती है। एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से होने जा रही है। पहले मैच में पाकिस्तान की टीम मुल्तान में नेपाल से भिड़ेगी। इस साल का एशिया कप हाइब्रिड फॉर्मेट में खेला जाएगा। 4 मैच पाकिस्तान में और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से KL राहुल और श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।